नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग में और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार है और कई लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिन सिर्फ फल और पानी ही पीते हैं। इस दौरान उन्हें गैस और एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अचानक से खान पान में बदलाव आता है, जिसमें हम मिर्च मसाला, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। साथ ही साथ ये पाचन तंत्र को भी काफी हद तक प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कई समस्या भी ट्रिगर हो सकती है। व्रत के दौरान अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान एसिडिटी और गैस से बचने के लिए आप किन उपायों को आजमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह नारियल पानी पीना आपके लिए सेहतमंद हो सकता है। व्रत के दौरान खाली पेट नारियल पानी पिए, इससे गैस और एसिडिटी की समस्या से आपको निजात मिलेगा। नारियल पानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट के एसिडिक और पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ भरपूर मात्रा में पानी होने के कारण ये पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है, ताकि एसिडिटी और गैस की समस्या ना हो। ये कब्ज से भी निजात दिलाता है, जिससे आपको एसिडिटी होती है। तो दोस्तों, देखा आपने नारियल पानी पीने के कितने फायदे हैं। आप भी व्रत के दौरान नारियल पानी का सेवन जरूर करें। दूसरा है, चाय कॉफी ना पिएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी इस नवरात्रि व्रत रखा हुआ है तो चाय कॉफी पीने से बचें। व्रत के दौरान कुछ लोग बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं, यह आपकी गैस और एसिडिटी का मुख्य कारण है। दरअसल जब आप बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं तो इसमें पाया जाने वाला कैटेचिन एसिडिक बाइल जूस के लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण गैस एसिडिटी की समस्या होती है। इसलिए व्रत के दौरान बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना सेहत के हिसाब से ठीक नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने भी इस नवरात्रि में व्रत रखा हुआ है तो चाय कॉफी का सेवन बहुत कम करें और हो सके तो ना करें। इसके अलावा दोस्तों, आपको दिन की शुरुआत में एक काम जरूर करना है। अगर आपको 10 दिन का व्रत रखना है और आपको गैस और एसिडिटी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप खाली पेट सबसे पहले पुदीने की पत्तियां चबा लें। इसे खाने से आपका व्रत भी नहीं टूटेगा, साथ ही आपको गैस और एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी। इन सब के अलावा दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते को मिश्री में मिलाकर पीस लें और फिर इसे जूस के साथ लें। इससे आपका पेट ठंडा रहेगा और आपको कई तरह की समस्याओं से भी निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी नवरात्रि के समय पाचन संबंधी कुछ समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि एसिडिटी, कब्ज, ब्लोटिंग वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो आप भी जो आज हमने आपको उपाय इस वीडियो में बताए हैं, आप भी इन उपायों को आजमा सकते हैं। इन उपायों को आजमाने से आपका पेट जो है वो ठंडा रहेगा, ना आपको एसिडिटी होगी, ना आपको कब्ज होगी, ना कोई और पाचन संबंधी समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और हेल्थी टिप्स के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।